तो इन डेफिनेशंस को आप जरूर नोट कर लें और समझ लें, फिर उसके बाद ही आप कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और खासकर कंपटीशन में इन बेसिक्स डेफिनेशंस का यूज वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और आईआईटी में और आपका जेई मेंस में, जेई मेंस एंड एडवांस दोनों में मिलेंगे आपको। तो इसलिए ध्यान से रखिएगा इन सब चीजों को संभाल के। लिखा है आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स, IDEMPOTENT, आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स। और कौन सी मैट्रिक्स आइडेम पोटेंट होती है? अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, यानी कि अगर आप दो मैट्रिक एक कोई मैट्रिक्स है उसको एक बार खुद से ही मल्टीप्लाई कर लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो या तो जीरो होगा और या वन होगा, वो भी बाद में देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल के लिए बस इतना नोट कर लें। अच्छा, और एक दो चीजें हैं इसमें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा तो ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, तो अब ए स्क्वायर ऑलरेडी ए है, यानी कि ए इंटू ए हो गया, और ये फिर ए स्क्वायर हो गया, तो यानी कि ये फिर से ए आ गया आपके पास। तो ऐसा ही आप करते चले जाओगे तो ए फोर ए फाइव जितना भी आप करेंगे वो सब ए ही होता चला जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। फॉर एन ए की पावर एन इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो अगर आप ए की पावर एन निकालना चाहें और अगर, तो हमेशा क्या आएगा? ए ही आएगा। ये अभी हमने ऊपर यहां पे दिखा भी दिया आपको कि इस तरीके से बिहेव करेगा। अब क्या होगा? अब आप देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप बार बार मल्टीप्लाई करते हो उससे तो क्या हो जाता है? हमेशा आइडेंटिटी ही आती है, तो इसलिए एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। कोई एग्जाम्पल लेना चाहें आप करके देख सकते हैं, अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल लिख देता हूं, एक 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 and -3, अगर इसको a मान लेंगे तो a square is equal to a आ जाएगा। आप चाहे तो आप करके देख सकते हैं। अब एक और डेफिनेशन है nil potent matrix, वो कैसे डिफाइंड होती है? A square matrix is said to be a nil potent matrix of order या index p, where p belongs to a natural number if a to the power p is equal to 0 but a to the power p minus 1 should not be equal to 0. So, agar hum example lein, if a square is equal to 0 then a should not be equal to 0. If a cube is equal to 0 then a square should not be 0 and so on. इस तरीके से डिफाइंड होगी। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैट्रिक्स लिख देता हूं, अगर आप निकालेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा बट a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका जो ऑर्डर या इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 3।
एक आप देखो, इफ ए इज 0 2 0 0, तो जरा ए स्क्वायर फटाफट निकाल के बताइए आप मुझे क्या आएगा, जल्दी से बताओ ए स्क्वायर क्या आएगा। सही है भाई। तो अब जरा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड ऑर्डर ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, इसके एलिमेंट्स हैं। इसको अगर ए मान लेंगे आप और अगर आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो वो आपका 0 0 0 आ जाएगा भाई आपका। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा, करके देख लेना चाहिए था आप लोगों को, है ना। अब आते अगली बात पे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। फंक्शंस में हमने पढ़ा था पीरियोडिक फंक्शंस कैसे होते हैं, तो ऐसे ही मैट्रिक्स भी पीरियोडिक हो सकती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज द रिलेशन ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a हो तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, और पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस होल्ड्स ट्रू। जरा नोट और लिख लीजिए एक, तो पीरियड ऑफ अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि नल मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, बार बार आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही देता रहेगा, पहले ही जीरो है, ऑलरेडी जीरो है, वो बार बार देता रहेगा, तो इसलिए भाई उसका कोई पीरियड डिफाइन नहीं किया जाता। अच्छा अब जरा ये बताइए मुझे, पीरियड ऑफ एन आइडिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, जल्दी से बता दो मुझे, आइडिपोटेंट मैट्रिक्स अगर है तो उसका पीरियड क्या होगा, आंसर दीजिए मुझे। ये होगा 1, ठीक है भाई। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, आइडिपोटेंट के केस में क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 इज इक्वल टू ए, तो अगर मैं इसको ए की पावर के प्लस 1 से अगर कंपेयर करूं तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो और k क्या होता है इसका पीरियड, तो इसीलिए ये जो है 1 है, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा अब। हाँ जी, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो अगर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, अगर ए कोई एंट्री मैट्रिक्स है 0 1 एंड 1 0, तो इसका ए स्क्वायर आप करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। देखो आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे ये डेफिनेशंस हैं, पर कई बार क्या होता है वो नाम लेके लिख देते हैं मैट्रिक्स, अब अगर आपको याद नहीं है कि वो मैट्रिक्स क्या है तो फिर आपको दिक्कत आ जाने वाली है, तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा इन नामों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना आप लोग। सो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिटी माइनस ए इंटू आइडेंटिटी प्लस ए इक्वल टू जीरो है, देन यू हैव टू शो दैट ए इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, करके देखिए जरा, ठीक है भाई। तो इस और मल्टीप्लीकेशन में खास याद रखेंगे, अगर किसी ने इसको सीधे सीधे आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा ना तो वो बिल्कुल गलत है, आपको बिल्कुल ऐसे ही ओपन करना है, नहीं तो आपको तो लग रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी की फर्म है और सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, बिल्कुल ऐसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं होता कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नॉट नेसेसरीली ये, ठीक है भाई, कोई जरूरी नहीं होता कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ये अलग अलग वैल्यूज आती हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करोगे आप कभी भी, ध्यान रखना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको दो अलग अलग मैट्रिक्स ऐसे दे रखी हैं
और आपसे कहा गया इसको मल्टीप्लाई करो, तो आप ऐसे ही लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। आप ये और ये काट नहीं सकते क्योंकि यू डू नॉट नो कि ये दोनों एक जैसे हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, प्लीज ध्यान रखना आप इस बात का। ठीक है यशवर्धन, क्लियर हो गया तेरा फंडा? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, थोड़ा सा करिएगा। इफ ए इज इक्वल टू है जीरो माइनस टेन अल्फा बाय टू और टेन अल्फा बाय टू और जीरो, ये हमारी मैट्रिक्स है, तो प्रूव दैट I प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बड़ी सीधी सी बात है, ये ट्रिग्नोमेट्री के बिना ना हमारा काम चलता ही नहीं ना, तो जरा इसको करिएगा थोड़ा सा, है ना। थोड़ा जल्दी से मुझे सोच के बताओ, लिख के भेजो कि क्या होता है कॉस अल्फा और साइन अल्फा का टेन के फॉर्म में। थोड़ा सा चलो याद दिला देता हूं, है ना, क्योंकि अगर आपको वो याद नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे, है ना। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और साइन अल्फा क्या होगा, टू टेन अल्फा बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये वैल्यूज आप रखेंगे तो काम होगा। आप तो क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया जो चीज मैंने आपसे कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट इफ ए इज एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज ईदर जीरो और वन। तो फर्स्ट से जाओ, पीछे जाओ जल्दी से अपने कागज में, देखो क्या लिखा है तुमने, आइड इंपोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है ना, तो क्योंकि वो तो देखना ही पड़ेगा अभी, तो देखो जरा क्या होता है और बताओ मुझे क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, आइड इंपोर्टेंट के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है। अब इस ए स्क्वायर को ए इन टू ए लिख लिया और वो भी ए के बराबर, तो डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों तरफ का, तो क्या होगा, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट की खास बात क्या होती है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये तो डिटर्मिनेंट का साइन होता ही हमारे पास, यही हमें प्रूव कर रहा था। एक और क्वेश्चन देखें, फाइंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू एट माइनस फिफ्टी सेवन जीरो ट्वेंटी सेवन। तो ये आपको बताना है जी, थोड़ा सा करके देखेंगे। अच्छा, कोई भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, मुझे पता है अभी ना नोट्स पूरे अच्छे से याद नहीं हुए हैं ना, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इस केस में आपको ऐसी दिखेगी, है ना। अगर हम इसको ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें, तो आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है जी। तो अब एक काम कर लेते हैं, मैंने आपको ये तो बताई दी ए कैसी दिखेगी, तो अब आप ए क्यूब निकाल लीजिए इससे, तो आपको वहां से जब आप ए क्यूब इससे निकालेंगे तो फिर ए क्यूब की वैल्यू
आप ए बी सी की वैल्यूज जो है निकाल पाएंगे। तो जरा इसको एज अ होमवर्क ही ट्रीट करते हैं, चलिए, है ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, और कुछ नहीं है। चले, एल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एम को एक और डिफाइन कर रहे हैं, एम को डिफाइन कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, पी को डिफाइन करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसके बाद इफ एल प्लस फाइव इज इक्वल टू पी प्लस टू एम, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने सेकंड लेक्चर में लिखाया था कि भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से होते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज किस तरीके से बनती हैं, है ना, ये सब लिखाया था। वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम एक काम करें, तो आप इसको भी एज अ होमवर्क ले लें, और आप मुझे जो है इसका सोल्यूशन व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप है उस पर आप भेजेंगे, ठीक है भाई। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया।